तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसको फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो आज है दिनांक 14 अप्रैल 2022, मतलब आज है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती। उसके अलावा हमारे चैनल की ये थर्टीवीं वीडियो है, यानी तीसवीं वीडियो है। उससे पहले हमारे चैनल पर 29 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट वुमेन इन इंडिया। तो पहली भारत की कौन महिलाएं क्या की हैं, इसके बारे में हम वीडियो आज की वीडियो है। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 3435 पोस्ट की वैकेंसी है, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और इस एग्ज़ाम में आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करना है, इसके लिए आपको बहुत ही सिस्टमेटिक और अच्छे वे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर वैकेंसी में पेपर 200 मार्क का होता है, 100 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल पोर्शन की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जाती है, जिसमें ऑलरेडी 29 वीडियो आ चुकी हैं और ये 30वीं वीडियो की सीरीज है। और हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना, वो भी नॉन टेक पोर्शन में। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, और हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। और कोई भी डाउट हो कि कौन सी बुक से पढ़ें, कौन से MPGK के कहाँ से कवर करें, उसके अलावा रीजनिंग में कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ें, उसके अलावा किस तरह से पढ़ें, उसके अलावा मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन सब की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर बनी हुई। उसके अलावा भी कोई अगर डाउट होता है तो आप में मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम बहुत ही जल्द और रिप्लाई देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल थी, जो कि 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक भारत की प्रेसिडेंट रही थी। उसके बाद भारत की अगली महिला कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, भारत रत्न से भी सम्मानित प्रथम महिला और पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। उसके बाद अगले पॉइंट पर भारतीय महिला राजदूत संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के प्रथम महिला सभापति, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। और ये कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर हैं। उसके बाद भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर मीरा कुमार जो लोकसभा की स्पीकर रही हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला रमन मैक्सी अवार्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, यानी इन्हें दो चीज़ों में फर्स्ट प्राइज पहली महिला है, रमन मैक्सी अवार्ड में पाने वाली पहली महिला, उसके अलावा प्रथम भारतीय महिला जो कि नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वह है मदर टेरेसा। इसके अलावा पुरुषों में प्रथम रमन मैक्सी अवार्ड किसे दिया गया था? तो विनोबा भावे को दिया गया था। उसके बाद प्रथम भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान का शासनकाल था 1236 से 40 तक। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की थी, ये थी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कब अध्यक्ष बनी थी? तो 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष थी INC की। उसके बाद भारत की प्रथम IPS अधिकारी कौन थी, और सार्वजनिक सेवा हेतु रमन मैक्से अवार्ड भी ने मिला अलंकृत प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर किरण बेदी। उसके बाद पहली महिला जो कि इंदिरा सहाय हैं, जो कि इंडियन नेशनल साइंस अकादमी के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है चंद्रिमा साहा। उसके बाद अगली भारतीय महिला हैं जो कि भारतीय नेवी की पहली महिला पायलट हैं, जो हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी। तो जो लेफ्टिनेंट शिवांगी हैं वो भारतीय नेवी की पहली महिला पायलट हैं। उसके बाद वायुसेना की पहली महिला पायलट इंजीनियर कौन थी? तो हीना जायसवाल जो भारतीय महिला पायलट इंजीनियर थी। उसके बाद रॉयल सोसाइटी में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला तो गगनदीप कौंग हैं। गणतंत्र दिवस पर परेड को नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी जो थी। उसके बाद BSF की पहली स्वतंत्र अध्यक्ष कौन थी? तो जयश्री व्यास थी। उसके बाद देश के पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री पहली कौन थी? तो निर्मला सीतारमण थी हैं। उसके बाद
भारत की महिला यूनिट के कमांडेंट बनने वाली पहली महिला अधिकारी शालिजा धामी, शालिजा धामी जो कि भारतीय फ्लाइट यूनिट कमांडेंट की पहली महिला अधिकारी बनी थी। इसके बाद अगले 20 दिन में 5 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला एथलीट हिमा दास, हिमा दास 20 दिन में 5 गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला। अंशुलता कांत क्या है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की पहली महिला CFO है। उसके बाद 30 समर यूनिवर्सिटी गेम में 100 मीटर रेस का पुरस्कार जीतने वाली महिला एथलीट कौन है, तो दूती चंद्र है, दूती चंद्र। उसके बाद अगली महिला आती हैं 7 बार समिट चैलेंज करने वाली महिला IPS अधिकारी, तो अर्पणा कुमारी, अर्पणा कुमार हैं। उसके बाद कॉम्बैट मिशन फाइटर जेट चलाने के लिए योग्यता हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला चालक भावना कंट। ICC इंटरनेशनल अंपायर रेफरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला, तो GS लक्ष्मी हैं। 200 वनडे खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज, जो भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर जीसी अनुपमा। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी PV सिंधु। उसके अलावा PV सिंधु 2 बार ओलंपिक में मेडल भी जीत चुकी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।